इससे खूबसूरत मैंने इस मॉडल में गाड़ी नहीं देखी आज तक। 99 का मॉडल L600 में टोटली फैसिलिटी किया, इंटीरियर एक्सटीरियर। लैंड क्रूजर 2024 वाला बना है, इसमें हेडलाइट्स ओरियन स्टाइल में जो इसकी ओरिजिनल स्लिम आती है, सही है, वो हेडलाइट लगाई है। ओरिजिनल गाड़ी पर लाइट लग सकती है, लाइट, इसका बम्पर, इसकी ग्रिल, बॉनेट, हर चीज जो ओरिजिनल गाड़ी से आएगी ना फिट होती है, उसको ये सामान लग सकता है। हर गाड़ी की जान होते हैं अलॉय रिम। अलॉय रिम L300 वाले। ये साइड मिरर में उतारू इस गाड़ी से जी, तो उसको जर्मन लग जाएगा क्या? ये भी लगेगा। टोटली गाड़ी चेंज है यार सर, ये भी टोटली चेंज है। इसकी बैक प्रोफाइल, डिग्गी, इसकी लाइट्स, इसका बम्पर और लोए ट्रंक, इसके बॉडी किट, इसको डुअल एग्जॉस्ट में लगाएगी, जैसे आपको दिखाते हैं अपने हर वीडियो में। साइड प्रोफाइल टोटल चेंज तो हर बंदा करता है, सही है, बट इसके अंदर फील कहीं से नहीं आती, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट लाइनों की और बॉडी की और लाइट्स वगैरह पार्ट वगैरह हर चीज के अंदर जो ओरिजिनल आता है वो लगाया गया है। प्रॉपर इसका डैशबोर्ड चेंज है, इसके डोर के ट्रिम्स चेंज है और बहुत ही फाइन क्वालिटी में इसकी फिटिंग हुई भी है हर चीज की। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल वन से फैजान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, डे बाई डे नई से नई गाड़ी तो दिखाते हैं, लेकिन आज नई वर्कशॉप में हम लोग आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि नई वर्कशॉप का पहला प्रोजेक्ट है जो हम आज डिलीवर करने जा रहे हैं फाइनली। ब्लैक लाइन करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह 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 ऑटो चैनल वन की ब्रांच 2 का, जिस ब्रांच के ऊपर हमने ऑफर लगाई हुई है, उस ऑफर का पहला प्रोजेक्ट है जो डिलीवर होने जा रहा है। मेरे साथ उसी तरह जो डेली बेसिस पे होते हैं मेरे साथ साहब भाई हैं, उसी तरह साहब भाई से बात करेंगे इस गाड़ी का क्या किया है और ये गाड़ी कितनी देर में कम्प्लीट हुई है, ये चैलेंज कितनी देर में कम्प्लीट किया है, ये कौन सा मॉडल आया था और अभी ये जहाँ कौन सी गाड़ी बन के रही है। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान ये क्या गाड़ी आई थी आपके और क्या बन के जा रही है? भाईजान 99 का मॉडल था, क्रूजर ग्रैंड था ये, अब ये फेसलिफ्ट हो गया L600। मैं भाईजान जैसे उधर से उतरा हूँ ना, मुझे ऐसे लगा जैसे 2013 की गाड़ी को तूने फेसलिफ्ट नहीं। भाईजान ये 99 वाला मॉडल है, वो आपको साइड प्रोफाइल से लग रहा है ना, बट इसकी साइड प्रोफाइल टोटल चेंज तो हर बंदा करता है, सही है, बट इसके अंदर फील कहीं से नहीं आती, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट लाइनों की और बॉडी की और लाइट्स वगैरह पार्ट्स वगैरह हर चीज के अंदर जो ओरिजिनल आता है वो लगाया गया है। 99 का मॉडल L300 में टोटली फैसिलिटी है, इंटीरियर एक्सटीरियर, सही है, वो टोटल रिव्यू में बताते हैं आपका। और पेट्रोल में ये गाड़ी है, वैसे बहुत गाड़ी की ड्राइव भी स्मूथ गाड़ी है और लास्ट टाइम शायद रिव्यू भी हमने इसकी ट्राई भी की है, रिंग रोड पे छोड़ी थी गाड़ी, 170-80 पे गए हम लोग ऐसे ही भैया। फाइनली और गाड़ी के ऊपर बात करें, इसकी फ्रंट शो क्या बनाई है तूने यार? भैया L300 लैंड क्रूजर 2024 वाला बना है, इसमें हेडलाइट्स ओरिजिनल स्टाइल में जो इसकी ओरिजिनल स्लिम आती है, सही है, वो हेडलाइट लगाई है, इसको बोनट लगाया है। साहब भाई थोड़ी देरी में बात करता हूँ, आज तुझे मैंने पकड़ लिया भैया। ये हेडलाइट में अगर जर्मन जापान से 12-14 करोड़ रुपए का क्रूजर इम्पोर्ट करो, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे ऐसा हो, किसी का हिट हो जाता है या स्क्रैच आ जाते हैं या कोई शीशा खराब हो जाता है, तो ये लाइट क्या उसको गाड़ी के ऊपर फिट हो जाएगी? अच्छा सवाल है आपका, ये हमारे व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए, ये जो लाइट है ना, ये सामान ये ओरिजिनल L300 के मुताबिक बना हुआ है, सही है। आपने जो बात की है कि उस ओरिजिनल गाड़ी पर लाइट लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। लाइट, इसका बम्पर, इसकी ग्रिल, बॉनेट, हर चीज जो ओरिजिनल गाड़ी से आएगी ना फिट होती है, उसको ये सामान लग सकता है। मतलब बोनट भी, एज अ साइड फेंडर भी, हेडलाइट भी, बिल्कुल, और फ्रंट बम्पर, फ्रंट बॉडी किट सेम एज इट इज ऐसे ही है सर। और इसे लगने का मकसद ये है कि इस गाड़ी पे भी वही लगा है, मतलब कहीं से फील ना आए, मार्केट में सामान आया हुआ है जो पार्ट आता है वो तो क्वालिटी से भी आगे वाला काम कर रहा है, ऐसा ही है। इसको ओवर फेंडर लगाए गए बड़े वाले, ये देखें, अपने हर वीडियो में हम दिखाते हैं, समटाइम छोटे लगते हैं और ऑलमोस्ट मार्केट में छोटे ही लगा रहे हैं, क्वालिटी है। बट जब जापान गाड़ी देता है ना ओरिजिनल फुल ऑप्शन ZX, इसमें ये बड़े वाले ओवर फेंडर होते हैं भाई। उसके बाद जो हर गाड़ी की जान होते हैं अलॉय रिम, अलॉय रिम L300 वाले। मैंने मार्केट में क्या देखा है कि क्रूजर बनाते हैं 24 हैं अलॉय रिम, 2018-20 वाले लेक्सिस बनाया तो क्रूजर के अलॉय रिम, इस तरह के बड़े जो है ना स्कैम चलते हैं लोग। बट ये देखें जो गाड़ी बनी है, टोटली गाड़ी का आपको दिखाते जाएंगे। इसके रिव्यू, अगर ये साइड मिरर में उतारू इस गाड़ी से जी, तो उसको जर्मन लग जाएगा क्या? ये भी लगेगा। और मैंने क्या देखा है, ये आपकी बॉडी में बना होता है। अब हम इसी गाड़ी की बात करते हैं, ये मेरा आप जब मर्जी खोल लें। फाइनली मैं एक और प्यारी बात करता हूँ प्यारे भाई, ये जो गाड़ी है ना, आउट ऑफ सिटी से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं जगह से है, और खुदा ना खासा कोई रिक्शे वाला, बाइक वाला मार जाता है, उसे रिपेयर करवाना पड़ता है। तो ये क्या फिक्स कर दिया आपने, बिल्टन कर दिया, बोल्ट होना है, ये बंदा अपने शहर में भी इसे इजीली खुलवाए। और जैसे ओरिजिनल फिटिंग आती है ना, इसके 3 से 4 स्क्रू है इसके नीचे भाई, वो आपने खोलने हैं मिरर बाहर, बेस चेंज करनी है, बेस चेंज कर ले, मिरर चेंज कर ले। उसी तरह डोर मोल्डिंग भी लगी हुई है, उसी तरह नीचे साइड पैनल भी लगी हुई है। बात करें तो कई लोग 200 के पैनल लगा देते हैं, 300 को, उनको पता नहीं होता साहब भाई। ऐसे ही भाईजान वो ये कहते हैं कि लाइट की वजह से मैंने ये वाले लगा दिए, बिल्कुल ऐसे ही। और वेदर स्ट्रिपों को भूषिए कहते होते हैं, उनको काम का पता नहीं है, उनके पास होता नहीं है। ये लाइट चल रही है, लाइट ऑन हो रही है, ऐसे दरवाजा बंद करेंगे लाइट बंद हो जाएगी, दरवाजा खोलने से ये लाइट ऑन होती है। वो क्यों कहते हैं कि इसमें लाइट नहीं है, इसकी लाइट अंदर होती है, उन्हें पता ही नहीं। लाइट अंदर भी होती है। एक और चीज है, ये महंगा पैनल है, 200 से डेफिनेट 300 का पैनल साइड पैनल महंगा होगा साहब भाई। तो ये चीजें हमने लोगों को बतानी है। और फाइनली यार जान है गाड़ी की, बिल्कुल ऐसे ही भाईजान। इसमें मैंने देखा गाड़ी में ना यहाँ पे पेंट में बना हुआ है, सिल्वर पेंट किया हुआ है, बस को क्रोम बनाने की कोशिश करते हैं। बट ये चेक कर ले, मेरा कैमरा मैंने करीब से भी दिखाए तो ओरिजिनल जो सा जो इसमें क्वार्टर आता है L600 में, सेम वो इसका क्वार्टर क्रोम है। उसी तरह आगे बात आपने की थी साहब भाई, आपने ये गाड़ी ब्लैक नहीं की, ये मैं देख रहा हूँ इसके अंदर पर्पल लुक आ रही है जी भाई। ये जो पर्ल ब्लैक L600 में आता है ना, जैसे पर्ल वाइट आता है, इसमें ब्लैक में भी पर्ल आता है। ये कर लेते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल है ये चीजें, वही है। अगर इसकी लाइनों की बात करें, मैं बाइक प्रोफाइल पे बाद में आऊंगा, तो लाइनें इसकी बड़ी याद जो नहीं है सर। ये देखे ना, ये टैंक कवर, ये लाइन इधर से नहीं शुरू हुई, ये ऊपर से इधर से आ रही है, बिल्कुल ऐसे थ्रू आउट आ रही है। इसी तरह लाइट फ्यूल टैंक कवर ऊपर, और ये फेंडर ऐसे बम्पर, ये देखे। और ये आगे भी पूरी गोल चली हुई है सर, पूरे डोर पे ये देखें। और ये गुलाई भी पूरी है इसकी, जैसे जेनवन की है। मतलब ये गाड़ी अगर जेनवन 300 के साथ कोई जेनवन गाड़ी अगर 10 करोड़ पे की इंपोर्ट करता है, बिल्कुल भाई, उसके साथ गाड़ी कंपेयर करता है, साइज में तो डेफिनेट फर्क होगा। साइज का तो हम लोग कस्टमर को बताते भी हैं, वो भी माइनर सा फर्क है, लेकिन क्वालिटी और या वैसे इन चीजों में तो फर्क नहीं होगा। नहीं भाईजान, किसी अगर बैक प्रोफाइल की बात करें तो आप साइड से चीज भूल गए, इसका 70 एनिवर्सरी ये तो ये भी मैंने नहीं लगा होता। इससे गाड़ी ये भी ओरिजिनल में लगा रहा है, सही है, पार्ट्स का हिस्सा ये, सही है। तो ये भी हम लगा के देते हैं हर गाड़ी को सर, क्या बात है। उसी तरह रूफ फेस भाईजान हर गाड़ी पे दिखाते हैं, आगे इसको भी लाए तो ये भी उसी तरह पूरी गाड़ी हिल रही है। बैक प्रोफाइल पे बताएं इसका क्या क्या चेंज किया है यार भाईजान? टोटली गाड़ी चेंज है यार सर, ये भी टोटली चेंज है। इसकी बैक प्रोफाइल, डिग्गी, इसकी लाइट, इसका बम्पर और लोअर ट्रंक, इसकी बॉडी किट, इसको डुअल एग्जॉस्ट में लगाएगी, जैसे आपको दिखाते हैं अपने हर वीडियो में। उसी तरह से इसकी बैक लाइट इसमें भी स्लिम है, सही है। अब ये वाली बैक लाइट आप ओरिजिनल गाड़ी को लगाएंगे ना L300 तो ये भी प्रॉपर बैठती है, सही है। मतलब कि ओरिजिनल गाड़ी को हम लगाएंगे तो ये भी अपने मतलब उसी तरह बैठेगी, क्वालिटी वाला काम है यार। और बैक स्क्रीन की अगर बात करें यार, ये क्या लगा हुआ स्टिकर, ये तो उतार देना चाहिए था आपको, ये उतारना था अभी। बट ये मैं क्या अपने व्यूअर्स को ये भी दिखाएं, ओरिजिनल स्क्रीन इसकी लगाई जाती है। और देखें ऊपर इसके सीरियल नंबर्स भी इसके सारे लिखे हुए हैं, पार्ट नंबर भी लिखे हुए हैं, और हर चीज सर इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ, कमाल है यार। सबके बढ़ाते जा रहे हैं वक्त पे। उसी के साथ इसके बैक लाइट्स पे मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खूबसूरत है बैक लाइट, ये भी ओरिजिनल फिटिंग की है, सही है। ये भी आप ओरिजिनल गाड़ी को लगाते तो लगती है यार, ये उतार के जेनवन क्रूजर को लगाएंगे उसी तरह लगेगी। उसके बाद भाईजान एक चीज बोलते हैं, आज एक चीज मैं बोलूं, 70 एनिवर्सरी लोगों, एक ड्यूल एग्जॉस्ट बॉडी किट, ये मार्केट में एक सिलेंसर लगा के कस्टमर आता ही है। सिर्फ ऑटो चैनल 1 है जो 2 दे रहा है हर गाड़ी के ऊपर। और ये आपको ये चीज भी दिखाते थे, ये भी इसकी अनबॉक्सिंग करें क्लाइंट से पहले थोड़ी सी, ये देखें, ये भी इसके अंदर बैक बम्पर पैड भी इसमें क्रोम है। अगर बात करें इसके इंटीरियर की यार, फाइनली इंटीरियर की तरफ चलें, इंटीरियर की तरफ ही चलते हैं भाईजान, वो आपको इसका दिखाते रहे। प्रॉपर इसका डैशबोर्ड चेंज है, इसके डोर के ट्रिम्स चेंज है, और बहुत ही फाइन क्वालिटी में इसकी फिटिंग हुई भी है हर चीज़ की। मतलब कि डैशबोर्ड अपनी जगह पे बैठा हुआ है, इसके डोर्स के ट्रिम्स अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और कहीं से किसी किस्म का गैप नहीं है। और इसी के साथ इसका स्टेयरिंग चेंज किया गया, मीटर चेंज किया गया, कंसोल बॉक्स चेंज किया गया, कंप्लीट इसको चेंज कर दिया गया। डबल स्क्रीन में इसको LCD लगाई है, जो कि L300 में ओरिजिनल डिज़ाइन आता है। और इसी के साथ इसके अंदर से इसके बहुत से इसके एक्सेसरीज लगाए हैं, वो आपको दिखाते जाते हैं। इसके अंदर जैसे कि इसको डैशबोर्ड आपको दिखाया, उसी के साथ इसको एम्बियन लाइट्स लगी हैं, जो कि आपके डैशबोर्ड में, डोर ट्रिम्स में और इसके फ्लोर में आपको इसकी लाइट देती है, और बहुत सी खूबसूरत लुक आती है। और आपको इसको दिखाते जाए, इसको सीट्स भी बहुत ही कमाल की बनाई गई है। इसको L300 में जो ओरिजिनल डिज़ाइन आता है, वो वाले इसको सीट्स लगाई हैं, और बल्कि हर चीज़ से प्रॉपर अपनी फिटिंग सीट्स बैठी हुई है। और गाड़ी के कलर्स की बात करूँ, स्ट्रीट कलर तो वो तो बहुत ही प्यारा कलर है, आपको इसका दिखाते जाएँ तो मस्टर्ड कलर जो इसमें ओरिजिनल में आता है, वही कलर इसको लगाया गया, और बहुत खूबसूरत लुक गाड़ी की एक दे रही है। स्टीयरिंग चेन की है GR वाला, और उसी के साथ साथ इसको सीलिंग स्टार लाइट्स लगाई गई हैं, प्रॉपर अपनी जगह पे जेनवन की तरह बैठी हुई है। जैसे ओरिजिनल में सीलिंग स्टार लाइट्स आती हैं, इसमें भी वैसे ही बैठी हुई है, और शूटिंग स्टार भी है इसके अंदर, और इसी के अंदर गलेक्सी भी ऑन है। उसी के साथ साथ इसके अंदर टैबलेट्स भी लगाए गए, आपको दिखाते जाएँ इसके टैबलेट्स, जो कि गाड़ी के टैबलेट्स बैक के पैसेंजर्स के लिए लगते हैं, दोनों साइडों पर ये भी ऑपरेटेड है। ऑल फंक्शन इसके ऑपरेटेड है और इसके साथ साथ इसके रूम्स की वाइट लाइट जो ओरिजिनल में जैसे आती है वो की गई है। और एक बड़ी मजेदार चीज़ आपको दिखाते जाएँ जो अपनी हर वीडियो में हमने बताया था, इसको इसकी डोर मोनोग्राम लाइट्स वो भी इसके इसको इंस्टॉल की गई है। अभी आपको दिखाते हैं व्यूअर्स, डोर के मोनोग्राम लाइट भी लगाई है इसको ओरिजिनल स्टाइल में जो कि डोर मोनोग्राम लाइट्स आती हैं। फ्रंट पे भी और बैक पे भी इसको लगाइए, जब आप डोर इसका क्लोज करते हैं तो ये चीज़ इसकी क्लोज हो जाती है। ये देखें, आपको मैं इसका डोर क्लोज करके दिखाऊं तो ये बंद हो जाएगी। जब आप इसका डोर ओपन करेंगे तो वेलकम लाइट इसकी ऑन होती है, जो लैंड क्रूजर नीचे एक गाड़ी भी बनती है और लैंड क्रूजर इसका एम्बॉस भी होता है ज़मीन पे, तो है ना मजेदार चीज़। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह के आप पुराना लैंड क्रूजर 98 मॉडल दें और 2023 मॉडल का लेके जाएँ, ये फन सिर्फ आता है आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो चैनल वन के पास ये वाला फन है। सर भाई ये कितने टाइम में चैलेंज कंप्लीट किया आपने? यार भाईजान ये 1 मंथ में कंप्लीट किया है। सर क्यों इतनी स्पीडें दिखा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप स्पीडें मुझे लगता है आजा नहीं है, दो करने का मकसद ये है। सर ऐसे ही है क्योंकि क्लाइंट को बड़ा मसला आता था कि आप 2-2 महीने लगते थे गाड़ी पे, दूसरा भी हो गया। और इन क्लाइंट के साथ मैं आपको बात बताऊं, इनके साथ मेरा ईद के बाद का टाइम था, इन्होंने मुझे बताया यार ट्राई करना मेरी ईद को मुझे गाड़ी मिल जाए, बट उनको आज मेरे ख्याल अगर बात करें तो आज 20 साल होता है, सुबह 20 साल होगा, आज 19 साल, आज उनको गाड़ी मिल जाए इंशाल्लाह। और पूरे अप्रोक्सीमेटली 1 महीना लगा, गाड़ी रेडी है। सामने नहीं आना चाहते वो, सामने नहीं आना चाहते वो, उन्होंने क्या हमारा नंबर भी नहीं आया, उनकी प्राइवेसी है। सर प्राइवेसी है। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह क्वालिटी वाला काम कि आपको टाइम से पहले गाड़ी मिले, तो साहब भाई वो कौन सा दाड़ा है? सर उस तरफ ऑटो चैनल वन। इसी के साथ अपने मेजबान फैजान अली को मेरे साथ बड़े प्यारे भाई साहब भाई थे और मेरा कैमरामैन उसी तरह तैमूर भाई। हम सबको इजाजत दे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।